नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। क्या आप सोचते हैं कि कांग्रेस को कभी अपनी हार का कारण समझने का वक्त मिलेगा? नहीं। कांग्रेस की हार के बाद सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ईवीएम ने क्या किया। चुनाव हारने के बाद जैसे ही वोटों की गिनती खत्म होती है, विपक्ष का पहला राग यही होता है, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। एक तरफ वोटर जो अपना फैसला दे चुका है, दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष की तरह तरह के आरोपों की झड़ी लगनी शुरू हो जाती है। अब तो लगता है कि आदत हो गई है, हर चुनाव में हार के बाद ईवीएम के खिलाफ आवाज उठती ही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव में भी यही हुआ है। साथ ही साथ झारखंड के चुनाव में जहां कांग्रेस को जीत मिली, वहां कांग्रेस ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तक अब कह रहे हैं कि वो बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाएंगे, जैसे किसी जादुई तरीके की तरीके से इसका इस्तेमाल होने वाला हो। लेकिन बेशक किसी को याद नहीं रहता कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, वही कांग्रेस पार्टी जिसने बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान के दौर में देश को मुक्ति दिलाने के लिए ईवीएम का रास्ता चुना था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जब चुनाव हारने लगे तो ईवीएम ही सबका दोषी बन गए। कांग्रेस ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि उसकी रणनीतियों, प्रचार और मुद्दों में भी कोई कमी हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये कहा है कि हारने पर ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट की बातों से भी फर्क नहीं पड़ता। जब वो जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाते और जब हारते हैं तो ईवीएम की गड़बड़ी का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। फिलहाल अब तो कांग्रेस के लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं जैसे कोई रामबाण इलाज हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव को बैलेट पेपर पर कराने से क्या होगा? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। बैलेट बॉक्स का लूट होना सबसे बड़ा डर है। पहले के समय में अक्सर लूट हो भी जाती थी। बैलेट बॉक्स पे पानी डाल देना या आग लगा देना, कागज की पत्री जलकर राख हो जाती थी। काउंटिंग में काफी समय लगता है, कागज की बर्बादी होती है, वोट कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, कई बार वोट हो जाते हैं अनवैलिड। जी हाँ, ये कई नुकसान है जो बैलेट पेपर से सामने आते हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस कह रही है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए एक अभियान भी चलाएगी। इसके अलावा एक तर्क भी जरूर दिया जाता है कि दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में आज भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां चुनाव के लिए अभी बैलेट पेपर और बॉक्स का इस्तेमाल होता है। विपक्ष बार बार ये तर्क देता है कि देखो, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। लेकिन क्या वो ये भूल जाते हैं कि इन देशों की जनसंख्या भारत के मुकाबले कितनी छोटी है? 140 करोड़ लोगों वाले देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का खामियाजा क्या होगा? क्या ये कांग्रेस नहीं सोचती? इसीलिए तो नेपाल, भूटान और केन्या जैसे देश भारत से बनी ईवीएम से चुनाव कराते हैं। उन्होंने भारत से ईवीएम खरीद रखी है। वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, रूस, मलेशिया और घाना जैसे देशों ने भारत की ईवीएम में गहरी दिलचस्पी भी दिखाई है। दरअसल भारत में 90 के दशक तक बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते थे, हालांकि तब वोटों की गिनती में काफी लंबा समय लगता था। इस समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से साल 1979 में सरकार ने ईवीएम के निर्माण की शुरुआत की। ईवीएम से साल 1998 में पहली बार कई जगह विधानसभा चुनाव कराए गए। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ता गया और साल 2004 के आम चुनाव में पहली बार देश भर के मतदाताओं ने ईवीएम का इस्तेमाल किया। तब से देश में ईवीएम से ही चुनाव कराए जाते हैं। ईवीएम से कई फायदे हैं। अगर विपक्ष को लगता है कि ईवीएम से नुकसान है तो वो ईवीएम की जगह कोई नई मशीन की खोज भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार ईवीएम का दोष देना कितना सही है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।